हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर फिल्मी वाला और मैं आपका फिल्मी वाला। तो चैन से सोना हो तो जाग जाइए। अरे भाई, जागना नहीं है, मिस्टर फिल्मी वाला आपको आया है फिल्मों के बारे में बताने। हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत से इंटरेस्टिंग कॉमेडी थ्रिकल बहुत से मूवीज के बारे में जानकारी मिलेगी। हम यहाँ पे ओल्ड मूवीज का कंपैरिजन न्यू मूवीज के साथ करेंगे, हमारी ओल्ड सदाबहार पिक्चरों के बारे में बताएंगे, न्यू मूवीज के बारे में बताएंगे, हीरोज के बारे में बताएंगे, आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो अगर उनके बारे में जानना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज का मेरा वीडियो है, सबसे पहली फिल्म भारत की कौन सी थी, सोचिए सोचिए। चलिए बता देता हूं, सबसे पहली फिल्म भारत की थी राजा हरिश्चंद्र। नाम सुनते ही आपको यह तो पता चल गया होगा कि भाई फिल्म का नाम ही राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा और रानियों वाली कहानी है, तो पक्का पुरानी फिल्म होगी। पुरानी नहीं दोस्तों, पहली और बहुत पुरानी फिल्म है जो 3 मई 1913 में भारत को पहली फिल्म सौंपी गई दादा साहब पालके के द्वारा, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब पालके ने भारत में फिल्म क्रांति लाने के लिए बहुत से संघर्ष किए और आखिरकार 3 मई 1913 में उन्होंने इंडियन फिल्म सिनेमा को एक ऐसी फिल्म दी जो आज भी हमें देखें तो अच्छी लगती है। अगर आपको फिल्म देखना है तो आप YouTube से देख सकते हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा। तो इस फिल्म में राजा रानी की कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको देख के अच्छा लगेगा, आपको ओल्ड कल्चर के बारे में पता चलेगा, आपको हमारे देश के बारे में पता चलेगा, आपको लीजेंड्स के बारे में पता चलेगा, और उसी लीजेंड्स में से एक थे राजा हरिश्चंद्र जिनके ऊपर ये फिल्में बनाई गई। इस फिल्म को बनाने के लिए, इस फिल्म के इक्विपमेंट्स, इस फिल्म को बनाने के लिए जो सामग्री, जो सामान यूज किए जाते थे वो दादा साहब पालके ने विदेशों से मंगवाए थे, क्योंकि भारत में उससे पहले ना कोई फिल्म के बारे में जानता था, और अगर उन्होंने यह कदम नहीं उठाया होता या फिर किसी और ने, तो आज हम फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन उनकी वजह से आज हमारा देश और पूरा विश्व भारत सिनेमा को एक अलग पहचान के नाम से जानता है, और हमारा देश अपनी सिनेमा की वजह से और देशों के मुकाबले एक अलग पहचान के सामने रिप्रेजेंट होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल प्रेस कीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले को देखने को मिले। तो मैं आदर्श अलविदा लेता हूं आपसे और मिलते हैं फिर इसी यूट्यूब चैनल पे मिस्टर फिल्मी वाला।